तो आपके कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज हारने के बाद क्या बोल रहे हैं एक डेकेड के बाद टेस्ट सीरीज हारे हैं घर पर कप्तान रोहित शर्मा और क्या बोल रहे हैं आई थिंक स्मॉल स्मॉल फेलियर्स इन कैन बी अलाउड मतलब साल में अगर छोटा मोटा फेलियर फेलियर हो जाए तो इट कैन बी अलाउड स्मॉल फेलियर क्या है छियालीस पे ऑल आउट होना हिस्ट्री बनना इंडिया में पहली बार पचास से कम पे ऑल आउट होना इनिंग्स में स्मॉल फेलियर है सत्ताईस साल में पहली बार ओडिया सीरीज श्रीलंका से हारना स्मॉल फेलियर है श्रीलंका में व्हाइट वॉश हो क्या आ रहे हो एक टाई था वो व्हाइट वॉश ही है तीन मैच हार के आ रहे हो वो भी स्मॉल फेलियर है बारह साल के बाद टेस्ट सीरीज घर पे आ रहे हो स्मॉल फेलियर है छत्तीस साल के बाद न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच जीती थी स्मॉल फेलियर है पहली बार जिंदगी में न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज इंडिया में जीती है स्मॉल फेलियर है डब्ल्यूटीसी फाइनल आपका हाथों से ऑलमोस्ट निकल गया है स्मॉल फेलियर है तालियर है जी

Uh, वैसा mm -hmm. चैलेंज था और मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहूंगा कि हमने बहुत कुछ खराब किया है कर दिया है बहुत ही खराब किया हाँ बैटर्स के लिए मैच खराब गया जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर सके कर सका पर किसी प्लेयर के किसी प्लेयर की एबिलिटी पर डाउट नहीं है अगी अगी तो ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना चाहूंगा इस चीज का बैटर को अपने प्लान पर ट्रस्ट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड क्योंकि गेम में आगे थे तो उनके बैटर फ्रीली खेल रहे थे घंटा <laughs> कोई फ्रीली नहीं खेल रहे थे उनपे प्रेशर था वो बहुत मेहनत से खेल रहे थे पिछले पांच साल से आ, position, position में हम पिछले पांच साल से उस पोजिशन में हम हुआ करते थे तो इस बार आगे अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे आई थिंक इट्स टू अर्ली टू थिंक अबाउट डब्ल्यू टी सी एम हर्ट बिकॉज वी लॉस द गेम इट्स अ कलेक्टिव फेलियर पिछली बार भी हार के बोला था आई एम हर्ट कलेक्टिव फेलियर ऑफ बोथ द बैटर एंड द बोलर्स एवरी वन हैज टू टेक दैट प्लेंड इट इज मोस्टली द फेलियर ऑफ द कैप्टन एंड द कोच नो इफ इफ यू बैट फॉर थ्री डेज यू कैन विन Three days were left, but the pitch was doing what it was doing, and New Zealand batters put our bowlers under pressure. We tried to do different things, but it all worked for New Zealand. I thought there was a chance for us to win the Test match, and my mindset uh, work on winning the Test match. If it doesn't work, then we do something different. We did the same in Kanpur Test. We tried to put them under pressure. Who tried the Only Jaiswal tried to put them under pressure. Mm -hmm. Nobody else. सिर्फ जयसवाल ने वहां और ऋषभ पंत तो खेल ही नहीं पाया रन आउट हो गया सिवाय जयसवाल के मुझे एक आदमी दिखा दो जो इंटेंट के साथ कोई लग रहा था कि छक्के चौके मारने के लिए जा रहा है कोई भी नहीं था आगे आ, आ जाइए और कुछ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, और भी है। आई जस्ट सेड इट बिकॉज ऑफ द थ्री सेशंस आई वोंट बिहेव इट वोंट बिहेव डिफरेंटली वी हैव 180 इन इंडिया देर आर मोर गुड थिंग्स सो लेट्स नॉट रिएक्ट टू मच I don't want to create the environment where players start taking pressure and doubt themselves. We have done lots of good things in the last twelve years. We need to find ways to come out of the situation when we are under pressure. If India in India, in India, in India yes. toss favours, toss dal diya. In India toss favours when you bat first, and we also tried to bowl them early bowl but them it early. didn't uh, but we didn't bat it well we didn't bat well we, uh, we will think and discuss about what we didn't do uh, this team has a lot of good things in the past in the past uh, na, try and play paddle and play reverse was something we wanted to do New Zealand did it very well and we have we had to try and find uh, मेज वेज मेक इन प्रेशर यू यू फिर आपने ऐसे लिख दिया वेन यू प्ले विद द फील्ड इट हेल्प यू टू प्ले विद द स्ट्रेटर बैट कोई ना स्ट्रेटर बैट तो कोहली साहब ने नहीं खेला इट ऑल ऑलवेज प्लेयर्स डिसीजन इन द मिडल इट्स डिसीजन इन द मिडल इट्स नॉट ऑलवेज इजी इट डिपेंड्स ऑन एवरी बैटर ठीक है आगे आ जाइए देर इज नो clarity on uh, what the players have to do. unclarity, okay. we have to focus more on that part. a lot of us have played a lot of cricket on our strength and not our weaknesses. we keep building and strengthening and more weaknesses are important and address, but But uh, at a ratio uh, of 70-30%. i am not going to overreact. we don't need to make players sit in the team room rather than go to them and talk to them quietly. What the team wants from them. Clear message is to keep players calm and make them understand their responsibility. Ash and Jaddu have a lot of expectations with them. It's all of our responsibility to win a test match. They know what uh, they have to do. Uh, what, what has gone wrong. These two have played mid a major role in winning. 18 series, they are allowed to have some bad games here and there. To make wickets, it's not going to happen every time and every take wickets. It's not going to happen every time and everywhere. Uh, Washi had a really good game, and we are happy for that. It's a hard ball that they always deliver upon expectation. Others have to step in. Aji, step up. I didn't, expect, uh, the bowl, the, I didn't expect the ball to seem so much in Bangalore. Uh, you never know what's going to happen before you start playing. We pick the team according to our needs. aage okay, <laughs> आगे ये दो गेम हुआ है जहां हमारा कोलेब्स हुआ है हमने बहुत गेम्स जीती है इंडिया में पहली बार हम बैटिंग ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए 12 साल में ये एक बार अलाउड है यार इंडिया में

अपोजिशन भी हमें स्टडी करते हैं हमेशा और रेडी होके आते हैं मैं जा, मैं ज्यादा उसमें नहीं ये देख सकता पिछले चार साल में भी हमने बहुत चैलेंजिंग क्रिकेट खेला है अपोजिशन में बढ़ दिया कि पोजिशन अच्छा चलिए ये थी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा कुछ तो नहीं निकला लेकिन हाँ ये पड़ा कि ठीक है यार हो गया यार बारह साल में हार गए यार तो क्या हो गया यार होता है यार इतना तो चलता है यार अरे यार क्या हो गया यार कम ऑन यार आई एम और यार ये सब चल रहा है कि कोई बात नहीं हो गया तो अलाउड हम है हमें अलाउड है पैनिक Allowed नहीं मचवाना चाहते टेस्ट सीरीज हारना अलाउड है रोंदे जाना अलाउड है डब्ल्यू टी फाइनल अगर मिस हो गया अभी तो मैं सोच ही नहीं रहा तो अश्विन जडेजा विकेट आप लोग मत सोचो ना अलाउड है आप लोग मत सोचो सब कुछ अलाउड है इंजॉय करो लाइफ को हमें हारना अलाउड है एक चीज निकली है रोहित शर्मा ये कह रहे हैं हमें हारना अलाउड है अलाउड एवरीथिंग इज अलाउड आप आप हम हम पे पे ज्यादा गुस्सा ना हो अलाउड है हम इतना जीत चुके हैं कि अब हम हारे भी तो कोई फर्क नहीं इतना चैलेंजिंग क्रिकेट खेला है श्रीलंका में व्हाइट वॉश होना अलाउड है यहाँ पर टेस्ट सीरीज बारह साल बाद हारना अलाउड है सत्ताईस साल वाला सत्ताईस साल बाद श्रीलंका से हारना अलाउड है allowed. 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 50 के अंडर ऑल आउट होना अलाउड है सबको अलाउड है भाई अच्छा, अपना वर्ल्ड कप जीत गए सब अलाउड एक, है। एक दो एक दो गेम हारना अलाउड है।, है।, है एक दो गेम एक दो गेम इधर-उधर खराब हो जाना अलाउड है आगे आ जाइए सही है।, है पहले था पहले होता था कोई 30 30 45 मिनट्स का बैड प्ले अब, एक, अब दो तो एक दो गेम है फिर एक दो सीरीज हो जाएगा फिर एक दो आपको पहले ही बोल रहा था ना इनके कान पे जूनी रेंगने वाली इनका एटीट्यूड आरोग्यंस कोई कम नहीं होने वाला ये बोल गए यार क्या हो गया हो गया। भी भी। वो सकता है क्या फर्क पड़ गया हाँ डिनाइल में चल रहे प्रदीप सिंह बोल रहे हैं सर जो पहले इंडिया में पिचेस होती थी चार फोर्थ एंड फिफ्थ डे में टर्न होती थी अब कौन सी पिचेस बना रहे हैं जो पहले दिन ही टर्न हो रही है तो बनाई आपने पहले सुपरचार भेजने के लिए शुक्रिया आगे सुपर सुपरचार सारी देख लेते हैं जब खुद चौहान बोल रहे हैं न्यूजीलैंड वुमेन लॉस्ट 11 मैचेस बैक टू बैक इन टी20 एंड फॉट बैक इन वन वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड बैक टू बैक मैचेस

जैसे इंग्लैंड खेल रही है और जैसे इंग्लैंड खेल रही है खैर इंग्लैंड की इंग्लेंड जैसी कंडीशन हाई सुपर चैट आगे इंग्लैंड को कंडीशन सूट करेंगे हमने आपसे पोल में पूछा था विल इंडिया मेक इट टू द डब्ल्यूसीटीसी फाइनल व्हाट इज योर रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड वर्डिक्ट यस 37% नो no, 63% ये तो फैक्ट अब तो, तो लग ही रहा है

एक चीज बोलूंगा से पहले कि जब राहुल आते थे पीसी में और रोहित शर्मा आते थे तो सेम बातें होती थी मतलब वो एक, जो बोल एक रहे हैं एक, दिखता था राहुल और जो रोहित शर्मा बोल रहा है वो लगभग लगभग मोटा मोटा सेम, पेट, सेम पेट, होता है कनेक्शन एक पेज पर है गौतम गंभीर आते हैं और रोहित शर्मा आते हैं रोहित कहीं और डायरेक्शन में गौतम गंभीर किसी और डायरेक्शन में ये समझ ही नहीं आ रहा भाई अपना पार्ट बात है

uh when, when you got even sweep ye dono ka to aage a jaiye bhai pehle ye dono to run bana dete the bina run ji khele but gautam kumar also doesn't believe in process na yes. he i think he needs to believe in process hmm. uh sanil pardeshi bol rahe hain mu wins rohit sharma should keep personal reasons रहे? aside and focus on winning